हेलो बच्चों, आज के वीडियो के टॉपिक को देख करके आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि आज का ये जो वीडियो है आपका, ये किस टॉपिक पर आपका बना हुआ है। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद हम करियर ऑप्शन के लिए जो कोर्सेज चुना है वो किस तरह से चुने बेटा। बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और कई बार मेरे पास आते भी हैं और क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, कॉल भी करते हैं कि सर अब ट्वेल्थ हो गया, अब इसके बाद क्या करें, कौन से कोर्सेज चुने। उन्हें खुद कंफ्यूजन रहती है, कोई दोस्त कहीं और जा रहा होता है, दोस्त भी बिछड़ रहे होते हैं, पेरेंट्स कुछ और करने को कहते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो कुछ और चीजें मिलती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। अगर इस तरह की कंफ्यूजन बेटा आप लोगों के दिमाग में चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट में अंत में इस वीडियो के आप खुद सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक ये लाइफ लाइन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, देखते ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये लाइफ लाइन क्यों बनाया है, बर्थ डेथ इस तरह की चीज आपके सामने मैं रखता हूँ यहाँ पर भाई। ठीक है, बर्थ आपका जन्म हुआ, उसके बाद जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट 20 या 20 के आसपास जॉब पा जाते हैं। ओके, जॉब पा जाते हैं और रिटायर होते हैं 60 से 70 के आसपास, मतलब अपनी लाइफ का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, अपनी लाइफ का आधे से भी ज्यादा हिस्सा वो क्या करते हुए बिताते हैं, वर्क करते हुए बिताते हैं। इसलिए ये वीडियो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट 80% हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो काम करने जा रहे हैं लाइफ में उस काम का बेस यानी कि क्लास 12th और उसके आसपास की पढ़ाई में, 12th और उसके बाद की जो पढ़ाई है उसमें आपको किस तरह के कोर्सेज चुनने हैं। ठीक है, क्योंकि यही कोर्सेज डिसाइड करते हैं कि ये आफ्टर 20 और रिटायरमेंट के पहले का जो आपका टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एंटायर आपकी लाइफ वो कैसी होने वाली है। ठीक है, सपोज आप मजबूरी में कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिससे आप खुश नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए नहीं बना है, तो पूरी लाइफ आप जो है डिप्रेस्ड रहेंगे, ठीक है, खुश नहीं रहेंगे, अपना गुस्सा अपनी फैमिली पर और तमाम तरह के डिप्रेशन और तमाम तरह की चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। ओके, तो इसलिए ये वीडियो बेटा जरूरी है और इसलिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपको कौन सा कोर्स चुनना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं, ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये वीडियो क्यों जरूरी है और क्यों ये जानना जरूरी है कि 12th के बाद के कोर्सेज चुनने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ध्यान से सावधानी ही बरतनी चाहिए। ठीक है, हम कोर्सेज चुनने में सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं, पहले ये चीज देख लीजिए, कोर्सेज को चुनने में सबसे ज्यादा गलतियां होती कहां पर। हम जब भी कोर्सेज चुनते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स की मजबूरी, ठीक है, सबसे गड़बड़ और बुरी चीज, पेरेंट्स हमारे कहते हैं कि बेटा चलो डॉक्टर इंजीनियर, इन दोनों के अलावा पेरेंट्स हमारे कुछ भी चीज नहीं समझते हैं। ठीक है, सबसे गड़बड़ चीज है कि पेरेंट्स ने बोला है ये कोर्स चुनने के लिए, इसलिए मैं ये कोर्स चुन रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे होता ना भेड़ चाल चल रही है, हमारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। ठीक है, चाहे मुझे इंजीनियरिंग का ई भी ना आता हो, ठीक है, किसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे नंबर किसी तरह से खींचकर करके आ गए, ठीक है, लेकिन मेरे सारे के सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। और उसके बाद आते हैं जो खूब रिसर्च, खूब डाटा कलेक्ट करके इकट्ठा करके पता करते हैं कि किस फील्ड में कितना ज्यादा स्कोप है, किस फील्ड में कितना ज्यादा मुझे अर्निंग हो सकती है, किस फील्ड में कितना ज्यादा मुझे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो काम क्या है, कैसे करना है, वो पता हो या ना हो, तो ये तीनों तरीके बेटा बहुत गलत होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और स्कोप देख करके अगर आप अपना कोर्स चुनते हैं तो बेटा सबसे गलत काम ये करते हैं। ठीक है, अभी होता है कि सर अब क्या किया जाए, इसके बाद ये तीन तरीके करनी है तो कौन सा तरीका है, वो तरीका बेटा मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, नॉर्मली सब लोग भी वो बताते होंगे, ठीक है, पर ये तरीका आपके लिए ही बना है बेटा, और वो है सबसे पहले आपको आंख बंद करके देखना कि आपका इंटरेस्ट किस में है।
मैं उन बच्चों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें पता नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट किसमें है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, पेरेंट्स आप वर्क कर रहे हो, पेरेंट्स आपका वर्क करने आएंगे क्या? ठीक है, पेरेंट्स आपका वर्क करने आएंगे या फ्रेंड्स आपका वर्क करने आएंगे? ठीक, स्कोप आपने देख लिया, ठीक है, स्कोप दिख रहा है कि हाँ भाई कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है और 80 लाख 90 लाख का पैकेज, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। लेकिन बेटा जब कंप्यूटर की डेफिनेशन भी आपको नहीं आती है, आपको 2-3 घंटे कंप्यूटर पर बैठने में दिक्कत होती है, बोरियत होती है, तो आप कैसे कंप्यूटर साइंस में जो इंजीनियरिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप डॉक्टर की इनकम देख रहे हो, डॉक्टर लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप डॉक्टर की इनकम देख रहे हो, बट आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे इस चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज है बेटा ये जानना कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। ठीक है, इंटरेस्ट किसमें और इंटरेस्ट किन किन चीजों में हो सकता है वो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसी वीडियो में उन बच्चों के लिए भी कोर्सेज बताऊंगा जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि यार अब क्या पढ़ाई लिखाई किया जाए, पढ़ाई लिखाई से जिनका मन उब चुका है उनके लिए भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक देखिएगा आप लोग। इंटरेस्ट किस किस चीज में आता है? आपके 3 ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का इसमें इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, अब इसके जो नीचे आपके लिखे हुए हैं, पहले ये हॉबी कोर्सेज हुआ करते थे, बट आप अब इसमें देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्रियां भी इसमें मिलती हैं। कौन कौन से देख लीजिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, सिनेमेटोग्राफी है, फोटोग्राफी है, कुकिंग है इवन, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट है, कुकिंग आपके होटल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, एक्टिंग, मॉडलिंग, जर्नलिज्म, सिंगिंग, बिजनेस, ठीक है, डीजे, इसकी भी पढ़ाई होती है बेटा। ठीक है, इसका भी आपका बैचलर डिग्री का कोर्स होता है। ठीक है, और आप कहीं अगर बाहर जाते हैं घूमने के लिए, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, तो आप पाएंगे कि वहां के जो क्लब और डिस्को हैं, वहां पर जो इंडियन डीजे हैं उनकी कितनी डिमांड होती है। ओके, ठीक है, तो यहां तो वो स्कोप वाली बात भी आ गई, ठीक है, डिमांड है हर जगह। तो ये आपके क्या है, ये आपके कोर्सेज है जिनमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। अब इनमें से कोई एक कोर्स, ध्यान से सुन लीजिए, कोई एक कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चुन करके आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको किसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कितने साल की पढ़ाई होती है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक, तो ये आपके इंटरेस्ट। अब देखिए, अब होता क्या है कि इंटरेस्ट तो भाई साहब ठीक है, पता चल गया हमारा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, सिनेमेटोग्राफी का उसको जो है शौक था। ठीक है, उसने शुरुआत में क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स उसके नहीं आए, वह पहले से उसको यही बनना था, तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसने जो है एक जगह से सिनेमेटोग्राफी में ही उसने डिप्लोमा लिया, और शुरुआत में अर्निंग उसकी बहुत नाम मात्र की अर्निंग होती, तो मुझसे इवन कहता था कि सर कहीं पर कुछ काम हो तो बताइएगा। आज आलम यह है बेटा कि मेरा फोन उठाने तक की उसकी फुर्सत नहीं है, अपना खुद का स्टूडियो सेटअप कर चुका है वो। ठीक है, और अगर मेरा स्टूडेंट है तो मुझसे एज में एटलीस्ट 7-8 साल छोटा तो होगा ही होगा। ठीक है, 7-8 साल छोटा तो होगा ही होगा, अपना खुद का स्टूडियो सेटअप कर चुका है, आज डिमांड उसकी इतनी ज्यादा है मार्केट में कि मेरा फोन उठाने की उसको फुर्सत नहीं है। ठीक है, हाँ, शुरुआत के कुछ दिनों में मेहनत उसने की, पूरा सक्सेस नहीं मिलती, ये बात आप लोग जानते होंगे, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट है अगर आपका, ध्यान सुनेगा कैसे काम करती है सारी चीजें, इंटरेस्ट है आपका तो आप उस काम में, मन लगेगा आपका उस काम में। ठीक है, आप, अच्छा पता कैसे चलेगा कि इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें इंटरेस्ट है। ऐसे काम जिसको करने में, ध्यान से सुनिएगा, जिसको करते समय आपको इवन खाने खाने की, पानी पीने की, किसी चीज का अंदाजा ना लगे, दोस्तों से भी अगर बात करना तो यार पहले ये काम कर लो, इस काम में मुझे मजा आ रहा है, इवन गेमिंग, आप गेम खेलते हैं ना, उसमें भी आप करियर बना सकते हैं, पर वो ध्यान से बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, तो उसमें करियर बनाने के बारे में सोचिएगा नहीं। ठीक है, शॉर्ट टाइम अर्निंग होती है उसमें। ठीक है, कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है,
आपको भूख प्यास नहीं लग रही है, आपको दिन रात का पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे काम को कहा जाता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप बोर नहीं होते हो, 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके खड़े होकर के तुम किसी भी तरह वो काम कर सकते हो, तो उस काम को कहा जाता है कि भैया हाँ उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट है अगर आपका तो आपका काम में मन लगेगा। शुरुआत में अर्निंग बेटा कम होगी, शुरुआत में जो अर्निंग होगी वो ऑलमोस्ट आपकी क्या होगी, जीरो होगी, जीरो मान के चलो, ठीक है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट है उसमें, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप धीरे धीरे उसमें परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है, परफेक्शन आएगा, फिर आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, चीजों को एक्सप्लोर करोगे, उसके बारे में और ज्यादा जानोगे, ठीक है, और ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी, और ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, और ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे, और कुछ ही समय बाद, ध्यान सुनना बेटा, कुछ ही समय बाद फिर ये जो अर्निंग होगी ना भाई साहब, कमाल देखिएगा बेटा, जो अर्निंग होगी के पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए कि अब ये सारी चीजें, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, वीडियोस में, किताबों में, ठीक है, फिल्मों में ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का भैया एक आपका डायलॉग रहता है, ठीक है, कि आपके आगे क्या आएगा, फैमिली आएगी जिसको आपका पेट भी भरना है। बेटा आपके सामने आगे फैमिली आएगी जिसका पेट भी भरना है, तो अर्निंग तो इम्पोर्टेंट तो है, ऐसा नहीं है कि अर्निंग जीरो है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, अर्निंग इम्पोर्टेंट तो है, अर्निंग इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान से सुनिए, आप जॉब कब पा रहे हो, 17 से 18 साल के बीच में आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट कंप्लीट 20 के आसपास आप जॉब पा रहे हो, तुरंत तो आपकी शादी होगी नहीं, तुरंत तो आपकी फैमिली होगी नहीं, ठीक है। और जब तक 30 के आसपास जब तक आपकी फैमिली होती है तब तक ये जो प्रोसेस है बेटा ये हो चुका होता है और आपकी अर्निंग 6 digit 7 digit तक पहुंच जाएगी, ठीक है, फिर ये वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाएगी, फैमिली टू फीड वाली प्रॉब्लम ये आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और बाकी गार्जियन को कैसे कन्विंस करना है, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों का यही नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट कितना है, तो वो कोई भी एक सिंपल और कोई जो हॉबी कोर्सेज होते हैं, कुछ जैसे टेक्निकल चीजें जो सिखाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, आप उनके साथ पैरेलल वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ हार्डवेयर के बारे में कुछ चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, ठीक है, जो आप ग्रेजुएशन के जो प्लेन ग्रेजुएशन होता है, सिंपल ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन होता है, बीए बीएससी या बीकॉम, ठीक है, उसके साथ आप कोई छोटा मोटा टेक्निकल डिप्लोमा का कोर्स उसके पैरेलल लेकर के आप चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बिजनेस करना आपके दिमाग में है, ठीक है, तो आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो भी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको जानकारी चाहिए किसी कोर्स के बारे में, ठीक है, आपको कैसे भी मन में क्वेश्चन आ रहे हों, किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, और कितने साल का है, फीस कितनी है, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है, ये सारी की सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा, ये जो लिंक नीचे जा रहा है इंस्टा, इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना बेटा मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रेड बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो बेटा उतना शेयर करो, ठीक है। आज के लिए